हेलो एंड वेलकम टू जीएसटी पाठशाला। ये अमेंडमेंट्स का वीडियो सीए और सीएमए फाइनल और सीएस प्रोफेशनल के जुलाई और अगस्त 2020 में होने वाले एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। इस वीडियो में डिमांड्स एंड रिकवरी अंडर जीएसटी और एंटी प्रॉफिटियरिंग से रिलेटेड अमेंडमेंट्स कवर्ड है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 73 और 74 में हुआ है। ये दोनों सेक्शंस शो कॉज नोटिस इशू करने से रिलेटेड है। इस अमेंडमेंट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ये मिस्टर एक्स है और ये सीजीएसटी ऑफिसर है। ऑफिसर मिस्टर एक्स को एक शो कॉज नोटिस इशू करने वाले हैं जिसमें 5 लाख रुपीज का टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है। एज पर अमेंडमेंट, ऑफिसर को शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले मिस्टर एक्स को एक लेटर इशू करके टैक्स और इंटरेस्ट का अमाउंट इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मिस्टर एक्स चाहे तो ये टैक्स और इंटरेस्ट शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले पे करके निल पेनल्टी अंडर सेक्शन 73(5) या रिड्यूस्ड पेनल्टी ऑफ 15% ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 74(5) का बेनिफिट ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद मिस्टर एक्स ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे और ऑफिसर इसके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट इश्यू करेंगे। नेक्स्ट कुछ अमेंडमेंट्स एंटी प्रॉफिटियरिंग से रिलेटेड है। अमेंडमेंट्स डिस्कस करने से पहले हम एंटी प्रॉफिटियरिंग का प्रोसीजर रिकॉल कर लेते हैं जिससे अमेंडमेंट्स इजीली समझ में आ जाए। सीजीएसटी एक्ट में दो टाइप की कमिटीज का मेंशन है, एक स्टैंडिंग कमिटी जो नेशनल लेवल पर वर्क करती है और एक स्क्रीनिंग कमिटी जो स्टेट लेवल पर वर्क करती है। एंटी प्रॉफिटियरिंग का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि पहले स्क्रीनिंग कमिटी एंटी प्रॉफिटियरिंग एप्लीकेशन एग्जामिन करती है, फिर वो एप्लीकेशन स्टैंडिंग कमिटी को फॉरवर्ड की जाती है। अगर स्टैंडिंग कमिटी को भी प्राइमा फेसी लगता है कि एंटी प्रॉफिटियरिंग का केस बनता है तो वो उस एप्लीकेशन को डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग यानी कि डीजीएपी को फॉरवर्ड करती है। डीजीएपी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, वो इस केस की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट स्टैंडिंग कमिटी को फॉरवर्ड करती है। फिर स्टैंडिंग कमिटी यानी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी इस केस में फाइनल ऑर्डर इश्यू करती है। इस प्रोसीजर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे। रूल 128 के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग कमिटी सिर्फ लोकल नेचर के इश्यूज ही एग्जामिन कर सकती थी। आफ्टर अमेंडमेंट स्क्रीनिंग कमिटी इंटरेस्टेड पार्टीज से रिसीव्ड एप्लीकेशंस एज वेल एज स्टैंडिंग कमिटी की फॉरवर्ड की हुई एप्लीकेशन एग्जामिन कर सकती है। पहले स्क्रीनिंग कमिटी की एप्लीकेशन एग्जामिन करने की कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं थी। अब इसी रूल 128 में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने 2 मंथ का टाइम पीरियड फिक्स किया है एप्लीकेशन एग्जामिन करने के लिए। ये टाइम पीरियड 1 मंथ से एक्सटेंड भी किया जा सकता है। पहले डीजीएपी की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की टाइम लिमिट 3 मंथ्स प्रिस्क्राइब्ड थी, जो 3 मंथ्स से और एक्सटेंड की जा सकती थी। अब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन का टाइम 3 मंथ से एक्सटेंड करके 6 मंथ्स कर दिया है और ये टाइम अभी भी 3 मंथ से एक्सटेंडेबल है। सो एज पर अमेंडेड प्रोविजन डीजीएपी को मैक्सिमम 9 मंथ्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। रूल 132 पावर देता है कि डीजीएपी या उसका ऑथराइज किया ऑफिसर समन इश्यू कर सकता है। अब गवर्नमेंट ने ये रूल अमेंड करके अथॉरिटी को भी समन इश्यू करने का पावर दे दिया है। रूल 133 में एक और अमेंडमेंट हुआ है और अथॉरिटी को एक और पावर दिया गया है कि वो चाहे तो डीजीएपी की रिपोर्ट पर क्लेरिफिकेशन डिमांड कर सकती है। रूल 133 में ही एक और अमेंडमेंट हुआ है। ये रूल अथॉरिटी को पावर देता है कि वो एंटी प्रॉफिटियरिंग का अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट करने का ऑर्डर इश्यू कर सकती है। इसमें से 50% अमाउंट सेंटर के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट होता है और रिमेनिंग 50% कंसर्न स्टेट के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट किया जाता है। इस रूल में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है और आफ्टर अमेंडमेंट ये जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% डिपॉजिट होगा। इंटरेस्ट जिस दिन से अमाउंट कलेक्ट किया गया है वहाँ से लगाकर जिस दिन डिपॉजिट कर रहे हैं उस दिन तक का लगेगा। इसी रूल 133 में एक और अमेंडमेंट हुआ है। एज पर दिस अमेंडमेंट, अगर डीजीएपी की इन्वेस्टिगेशन में रिवील होता है कि इन्वेस्टिगेटेड गुड्स और सर्विसेज के अलावा किसी दूसरे गुड्स और सर्विसेज में भी एंटी प्रॉफिटियरिंग हुई है तो अथॉरिटी 6 मंथ्स के अंदर एक डायरेक्शन इश्यू करके डीजीएपी को फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का बोल सकती है।
इस इन्वेस्टिगेशन को एक नई इंक्वायरी की तरह ट्रीट करेंगे और एक्ट और रूल्स के सारे प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल होंगे। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी से रिलेटेड लास्ट अमेंडमेंट उसके टेन्योर से रिलेटेड है। बिफोर अमेंडमेंट रूल 137 में मेंशन था कि अथॉरिटी सिर्फ 2 साल तक ही एग्जिस्ट करेगी, 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच चेयरमैन एंटर्स हिज ऑफिस। अब ये 2 ईयर का टाइम पीरियड बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 4 ईयर्स का कर दिया है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सीए प्रीति परिहार साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट, GST इज लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।